स्वागत है आपका स्टडी सीकर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इसके साथ में ही लास्ट में हम प्रीवियस डे के रिविजन्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने। बात करें हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेज हैं माला डांस, नाटी डांस, राक्षस डांस, दल सोम डांस तथा चोलंबा डांस। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क तथा खीर गंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं कुल्लू दशहरा फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल तथा लादरचा फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में दर्रे पाए जाते हैं बारा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा सिपकीला दर्रा। बात करें हिमाचल प्रदेश से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो व्यवस्थित ढंग से दालचीनी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत के पहले मॉन्ग फ्रूट की खेती कुल्लू में शुरू की गई है। घरों में 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के साथ आदि बद्री बांध का निर्माण करेगा। 9वीं महिला आइस हॉकी का आयोजन लाहौल स्पीति में किया गया था। हाल ही में लाहौली मोजे और दस्ताने को GI टैग मिला है। काजा में विश्व का सबसे ऊंचा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने गोबर से निर्मित बैग में बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बात करें छत्तीसगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के फोक डांसेज हैं सैला डांस, सुआ नाच, कर्मा डांस, पाठनी डांस तथा पंडवानी डांस। छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल्स हैं बस्तर दशहरा फेस्टिवल, भोरम देव महोत्सव, आजी कुंभ फेस्टिवल तथा अर्थ महोत्सव। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क तथा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बात करें छत्तीसगढ़ से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो छत्तीसगढ़ में मिलेट परियोजना चलाई गई है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ रोजगार योजना चलाई गई है। छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू किया गया है। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में फूड इरोडेटियर प्लांट स्थापित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। नान मधुलवन योजना के तहत तमिलनाडु में महिलाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करें तमिलनाडु से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के गवर्नर RN रवि हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तमिलनाडु का फोक डांस है भरतनाट्यम डांस, जो कि इंडिया का क्लासिकल डांस भी है, मैली अट्टम डांस, कुम्मी डांस तथा करगम डांस। तमिलनाडु के फेस्टिवल्स हैं पोंगल फेस्टिवल, थाई पूसम फेस्टिवल, थिरुवायरू फेस्टिवल, नाटंजलि डांस महोत्सव। तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क। बात करें तमिलनाडु से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु ने एंटी नीट बिल पारित किया है। श्री बिल्लू पृथ्वी मेघामलाई भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। तमिलनाडु ने विरोध किया है न्यूट्रानो वेधशाला का। तमिलनाडु ने डेनमार्क की सहायता से मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया है। हाल ही में तमिलनाडु ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। MK स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरोवन का विमोचन किया गया है। तमिलनाडु ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। हाल ही में तमिलनाडु ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस शुरू किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IIT रुड़की में। बात करें सुपर कंप्यूटर्स की, तो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं सीमोर ग्रे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। विजय पी भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास को लेकर 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया। इसके तहत भारत को 75 सुपर कंप्यूटर 2022 तक बनाने थे, जिसकी लागत 4500 करोड़ रुपए थी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है। हाल ही में
सुपर कंप्यूटर परम गंगा को IISC बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में मेटा ने वर्ल्ड का फास्टेस्ट AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर शुरू किया है। ईरान का सुपर कंप्यूटर है सिमॉर्ग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। बात करें हैदराबाद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1591 में की थी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। 1948 में हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली खान असफ जहां। हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम स्थित है। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है, जो कि 216 फीट ऊंची है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन DC में है। इसके CEO हैं सत्या नडेला, जिसे हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह NUR-2 का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान ने। बात करें चर्चा में रहे कुछ उपग्रहों की, तो चीन ने लॉन्ग 5 मार्च रॉकेट से 22 उपग्रह को लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीका ने MDSAT उपग्रह को लॉन्च किया है। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 को लॉन्च किया है। जापान ने इनमारसेट 6FM सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चीन ने सिंजियान 605 उपग्रह को लॉन्च किया है। फ्रांस ने सायराक्रूज मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है रियाल। यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। ईरान में भारतीय राजदूत हैं गद्दम धर्मेंद्र। आइए देखते हैं ईरान का मैप। ईरान नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी से। ईरान साउथ में बॉर्डर शेयर करता है पर्सियन गल्फ से और अरेबियन सी से। ईरान के साउथ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्सियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है तथा अलग करता है ईरान और ओमान को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए किस देश के साथ प्लास्टिक नवाचार केंद्र खोलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के साथ। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत हैं मनोज कुमार भारती। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। आइए देखते हैं इंडोनेशिया का मैप। इंडोनेशिया इंडियन ओशियन में स्थित है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली महिला सांप बचावकर्ता कौन है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वनिता जगदेव बोरडे जी। बात करें नारी शक्ति पुरस्कार की, तो ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो इला लोधी को नारी शक्ति पुरस्कार मरणो उपरांत दिया गया है। आरती राणा जी उत्तर प्रदेश की एक शिक्षक हैं, इन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। बात करें साइली नंद किशोर जी की, तो ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कथक डांसर हैं, इन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। बात करें रिसेंट अवार्ड्स की, बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान दिया गया है। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नितिन गडकरी को 18th लेट माधव राव लिमाए अवार्ड दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है। अल्बर्ट बुरुला को जेनेसिस प्राइज मिला है। दिव्या हेगड़े को UN वुमेन्स अवार्ड 2021 मिला है। चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू के लिए दिया गया है। नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज मिला है। दीपक धर को बोर्डमैन मेडल मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस में लगभग 5000 से ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अगर हम देखें तो रूस में जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो 22 फरवरी के बाद से लगाए गए हैं। अगर हम देखें तो 22 फरवरी से पहले रूस में 3000 से भी कम प्रतिबंध थे। 22 फरवरी के बाद से रूस में 2500 से ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। रूस में देखें कि किन किन देशों ने प्रतिबंध लगाया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने लगा दिया है, कनाडा ने लगाया है, जर्मनी ने लगाया है, यूनाइटेड किंगडम ने लगाया है, यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है तथा जापान ने भी लगाया है। अगर हम देखें तो हाल ही में USA और UK ने बैन कर दिया है इंपोर्ट रशियन ऑयल्स का। रशिया ने यूक्रेन से युद्ध समाप्ति के लिए यूक्रेन से 4 डिमांड की है। पहला है कि यूक्रेन अपनी मिलिट्री को बंद कर दे। दूसरा है यूक्रेन अपने संविधान में परिवर्तन करे और एक न्यूट्रल स्टेट बन जाए, यानी यूक्रेन किसी भी संगठन में शामिल ना हो, चाहे वो NATO का हो या USSR का हो।
तीसरा है यूक्रेन क्रीमिया को रशिया का पार्ट मान ले। चौथा है यूक्रेन डोनास्टक और लुहांस को इंडिपेंडेंट स्टेट मान ले। यूक्रेन ने कहा है कि वो नाटो की सदस्यता नहीं चाहता है। चलते हैं कल के रिविजन्स पे। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सिलिनेक्स अभ्यास 7 मार्च को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च को। आप लोगों के लिए कल का सवाल था, किसने सभी रूपों के तंबाकू छोड़ने के लिए कुट तोबैको ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के क्लास की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमको मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।